महात्मा कर्दम हैं, नित्य यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और सीधी बात है हवन करोगे तो भगवान आएगा, किसी न किसी रूप से क्यों ना आए। जिन्होंने हवन किया, यज्ञ किया, उनके यहाँ भगवान आया। कर्दम ऋषि ने यज्ञ किया, नारायण कपिल बन के आए। स्पष्ट लिखा है तस्मिन हुत हुतासन है, यज्ञ में रोजाना आहुति डालते थे। मैं आपसे बहुत आग्रह पूर्वक बातें करता रहता हूं, आप मेरे बहुत प्राचीन पुरातन श्रोता हैं, सिर्फ 12 महीने पुराने ही श्रोता नहीं, आप मेरे 26 वर्ष पुराने श्रोता हैं। मेरे वह भी श्रोता हैं जिनको मैंने पहली कथा सुनाई है 26 साल पहले। 26 साल 3 मई को पूरी हो जाएंगे, 26वां चल रहा है, 26वां वर्ष 3 मई को पूरा हो जाएगा। तो 26 साल में बहुत श्रोता मिला होगा मुझे, तो मैंने बहुत सी बातें आपको निवेदन करी होंगी और आपने काफी बातें इस दास की मानी भी हैं। तो उसमें एक बात यह भी मान लीजिए कि आप रोज ना कर सकें तो 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में अपने घर में एक दिन हवन यज्ञ जरूर करें। घर का कायाकल्प बदल जाएगा, गरीबी समाप्त होगी, रोग समाप्त होंगे, क्योंकि यज्ञ वही विष्णु, जहाँ यज्ञ होता है वहाँ भगवान का बसेरा होता है। और इस पर मैं बहुत जोर देता हूँ, देखिए मेरी बात कोई बनावटी तो बात होती नहीं है, प्रमाणित जो ग्रंथों ने जो कहा, क्या लिखा है कि कर्दम ऋषि को भगवान मिले हैं, परिणाम है तस्मिन हुत हुतासन है, लिखा है कि ये नित्य यज्ञ करते हैं। दशरथ राजा रोज यज्ञ करते थे, परिणाम यह था कि प्रभु राम, परमात्मा राम बन के प्रकट हो गए। रोजाना यजन करते थे, हवन करते थे रोजाना। नवरात्रा के समय पर वसुदेव जी महाराज ने पूरे जीवन में कभी यज्ञ नहीं छोड़ा, जब ये कारागृह में भी थे तब मानसिक यज्ञ करते थे, मन से ही नेत्र बंद करके स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और इसका परिणाम था कि त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्ण वसुदेव पुत्र बन करके धरा पर चल गया। परमात्मा कोई न कोई रूप लेकर के तुम्हारे यहां आ जाएगा, ये जन्म में यज्ञ में विश्वास रखिए, पूरी प्रकृति का कल्याण करने वाला यज्ञ है। यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो जीव जंतु ये सब दिखाई देंगे, पेड़ वृक्ष पौधे सब दिखेंगे, प्रकृति के वातावरण को शुद्ध रखता है यज्ञ, यजन की यह महिमा है। एक बूंद घी डालने से टनों ऑक्सीजन बन जाती है, यज्ञ होता रहता बराबर तो कोरोना नहीं शायद फैलता, कोरोना में ऑक्सीजन की ही तो कमी पड़ रही है, फेफड़े फूल रहे हैं, श्वास मिल नहीं रही है, यही तो मारिस कोरोना की है। पहले लोग लाख वर्ष तक जीवन जीते थे क्योंकि प्रकृति का वातावरण ठीक था, ऑक्सीजन सबको पर्याप्त मिल रही थी। ऑक्सीजन तो तब मिलेगी ना जब पेड़ होंगे, और पेड़ तब होंगे जब पानी गिरेगा, पानी तब गिरेगा जब यज्ञ होगा, यज्ञ तब होगा जब गौ माता सुरक्षित होगी, और गौ माता तब सुरक्षित होगी जब आप सनातन को भूलोगे नहीं, आप सनातन को बिल्कुल अपना खानदान समझकर चिपक करके रहोगे तो ही गौ माता बच पाएगी। गौ माता बचेगी, घी उपलब्ध होगा, माथे का विचार उपलब्ध होगा, उससे यजन होगा, यज्ञ होगा, यज्ञ के द्वारा वर्षा होगी, वर्षा से अन्न धन पैदा होगा। पूरी सृष्टि के आधार में यदि कोई है तो अपना सनातन धर्म है, और सनातन धर्म का अंग है यज्ञ। श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद में वर्णन है, ब्राह्मण अग्नि यज्ञ गैया ये सब वर्णन किया, देखो कितना अच्छा लग रहा है, या आहुति डल नहीं है, हम तो भैया वही कर रहे हैं जो ऋषि परंपरा में अनादि काल से जो वह लोग काम करते आए वही कर रहे हैं, और कोई हमारे पास ऐसा काम नहीं है। कैसे भी प्रकृति को